प्यारे बेटे, मैं ये आपको तीन वजूहात की बिना पर लिख रहा हूँ। नंबर एक, ज़िंदगी किस्मत और हादसात गैर मुतवक्के हैं, कोई नहीं जानता कि वो कब तक ज़िंदा रहता है, लिहाजा कुछ अल्फाज वक्त से पहले कह देना बेहतर होता है। दूसरी वजह यह है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर मैं भी आपको ये ना बताऊँ तो कोई और नहीं बताएगा। ये बातें लिखने की एक वजह यह भी है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो मेरे ज़ाती तलख तजर्बात हैं, जो शायद आपको बहुत सारे गैर ज़रूरी तकलीफ़ों से बचा सकते हैं। जब आप ज़िंदगी से गुज़रो तो ये बातें याद रखो। पहली बात ये याद रखना, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनसे बोझ ना रखो। आपके साथ अच्छा सलूक करने की ज़िम्मेदारी किसी की नहीं है सवाए आपकी वालदा और मेरे। जो लोग आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं आप उनको कदर की निगाह से देखो और उनके मशकूर रहो। आपको एहतियात करनी चाहिए कि हर एक इकदाम का एक मकसद होता है। जब कोई शख्स आपके साथ अच्छा होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वाकई आपको पसंद करता है। आपको होशियार रहना चाहिए और जल्दबाजी में किसी को हकीकी दोस्त नहीं समझना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखना कि ज़िंदगी में कुछ भी नागुज़ीर नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका तुम्हारे पास होना ज़रूरी हो, लिहाजा दुनिया की किसी चीज़ को अहमियत ना दो। जब तुम इस बात को समझ लोगे तो ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा, फिर आपको लोग पसंद ना भी करें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुम अपनी पसंदीदा चीज़ ना भी पा सको तो उसका दुख नहीं होगा। तीसरी बात ये याद रखो कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और ये आहिस्ता आहिस्ता घट रही है। अगर अपनी ज़िंदगी को ज़ाय करोगे तो एक दिन बहुत बड़ा पछतावा देकर ये ज़िंदगी तुम्हें छोड़ जाएगी। चौथी बात ये याद रखो कि ये जो मोहब्बत है चीज़ों की, लोगों की, ये सब एक आर्जी और वक्ती सा एहसास होता है और ये एहसास वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हारी महबूब और पसंदीदा चीज़ तुम्हें ना भी मिले तो सब्र करना, जब वक्त गुजरेगा तो तुम्हारे दर्द को धोकर ख़त्म कर देगा। पांचवीं बात ये याद रखना, हम तुमसे ये तवक्को करते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारी देखभाल करना और हमें अपने ऊपर बोझ ना समझना। हमारे बुढ़ापे में भलाई करके अपने मुस्तकबिल और अपने बुढ़ापे की भलाई का बीज बोना। आखिरी बात मैं तुम्हें ये बता दूं कि दुनिया के तमाम रिश्ते किसी न किसी मफाद के असर में होते हैं। सिर्फ माँ बाप का रिश्ता ऐसा है जो बेलौस होता है अपनी औलाद के साथ, लेकिन एक हस्ती का इंसान के साथ ऐसा रिश्ता होता है जो किसी बदले से बालातर होता है। वो हस्ती, वो ज़ात तुम्हारे रब की ज़ात है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।